नमस्कार, विजय केसी न्यूज आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही है फेस वन पंचकुला से, जहां पर आपको बता दें आज से चार दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी, ई एंड सी जो कंपनी है इसके सामने हम खड़े हैं। फिलहाल जो आपको दिखाएंगे तस्वीरों में जो लेबर है, जो फिलहाल 5 से 6 दिन हो चुके हैं कंपनी बिल्कुल, एम्प्लॉयज जो है कंपनी के बाहर हैं बिल्कुल। ये कंपनी का दिखाएंगे आपको, ई एंड सी प्राइवेट प्रेसिंग प्राइवेट लिमिटेड 169 इंडस्ट्रियल फेस वन पंचकुला, और तस्वीरों में दिखाएंगे जो लेबर है फिलहाल जो खड़ी है बाहर धूप में खड़ी है, और ये जो आप दिखाएंगे जो प्लास्टिक जो है इसका टेम्परेरी इलाज करके बैठी है, आपको तस्वीरों में दिखा दे। फिलहाल आपको बताएंगे लोग बैठे क्यों हैं, आपको बता दें आज से चार दिन पहले जब हमने खबर चलाई थी तो कंपनी के मालिक की भी रिकॉर्डिंग सुनाई थी हमने आपको, कंपनी के मालिक से क्या बातचीत थी वो भी हमने आपसे सुनाई थी, आज भी आपको सुनाएंगे क्योंकि आज जो बात हुई वो भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल बता दें आपको कि कमिटमेंट ये की गई थी कि 3 से 4 दिन में इन लोगों को सबको पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन आज जो है पूरे 5 दिन हो चुके हैं इस बात को, लेकिन पैसे की बात करी जाए तो किसी को भी कोई पैसा नहीं दिया गया, सिर्फ और सिर्फ समय दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख, तो वो तारीख इनको मिलती जा रही है। फिलहाल अगर तारीख मिल रही है लेकिन इनके घर में जो पालन पोषण के लिए जो खाने का सामान होता है, राशन का बिल होता है, उसके बाद किराया होता है, उन सब चीज़ों के लिए पैसा आखिरकार देगा तो देगा कौन, क्योंकि इनके पास तो कुछ बजट है नहीं है। लेकिन अब जब ये लोग बाहर है रोड पर तो प्रशासन भी इनकी सुनने में तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि प्रशासनिक बात करी जाए तो पिछले 5 दिन से यहाँ पर बैठे हैं कंपनी के बाहर, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहीं पर तस्वीरों की बात करी जाए तो तस्वीरें ऐसी हैं जहाँ पर इसमें जितने भी लोग हैं, आपको हमने पहले ही बताया था कि कोई 10 साल पुराना है, कोई 15 साल पुराना है, और वहीं पर सैलरी की बात करी जाती है, 2 महीने की सैलरी कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इन लोगों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो चिंता है पीएफ के पैसे की। तो 3 से 4 साल का जो पीएफ, इन लोगों की जो स्टेटमेंट है, इन लोगों ने जो बताया कि 3 से 4 साल तक का जो पीएफ का पैसा जो है वो बाकी है और अभी तक कोई पैसा हमारा नहीं आया। तो यहाँ के जो कंपनी के फोरमैन हैं, एक बार उनसे ही बात करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर परसों या 5 दिन के करीब करीब हो चुके हैं हमारे को, हमने आपकी खबर भी चलाई थी, उसके बाद जो आपके मालिक हैं अजय छावड़ा जी हैं शायद, उन्होंने बात की थी कि हाँ 3-4 दिन में पैसा दे दिया जाएगा, ऐसी कमिटमेंट भी की थी उन्होंने हमारे सामने भी की थी, बट उसके बाद क्या हुआ सर, क्योंकि 5 दिन हो चुके हैं आपको, क्या उसके बाद कोई सलूशन अभी तक नहीं निकला जी? भाई उसमें यही है कि ये अजय जी और ये अपना जो है राकेश सिंगला जी के बीच में ये बात अटकी पड़ी है, कोई उन पर ब्लेम कर रहा है, कोई उन पर ब्लेम कर रहा है कि हमारे। राकेश सिंगला जी कौन है जी? ये जो NCLT के जो मुखिया हैं, जिन्होंने कंपनी को टेक ओवर किया है, इनके ही देख देख में टेक ओवर किए गए कंपनी को चलाने के लिए, तो रही नहीं। बात हुई थी इनसे, तीनों ने कहा कि कंपनी ऐसे ऐसे करके अपना इस टेक ओवर करती है, जो कंपनी लोन नहीं दे पाती है ऐसे ही दे पाते उसको जो है NCLT टेक ओवर करती है। कंपनी टेक ओवर कर लिया, कंपनी टेक ओवर कर लिया, बड़ा इशू है, चलो वो तो बात की बात है, उसके हम बात की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप जो है कंपनी के बाहर है बिल्कुल, आप रास्ते पे हैं इस टाइम। फिर ये और उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम जो है कंपनी को चलाने के लिए इसको बंद कर रहे हैं, कुछ दिन बाद ये खोल दी जाएगी। और तब तक खोली, तब तक क्या आप लोग बाहर बैठे रहेंगे? तब तक ये तो बात होगी जब 19 तारीख को उन्होंने अपने 21 तारीख को इसमें सील किया था, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर उसके बाद में ये एकदम से 31/3 को यहाँ पे ये जो नोटिस लगा दिया है कि कोई भी बंदा अंदर नहीं आएगा, और ना ही हमारे को अपना फरवरी की सैलरी दी और ना ही हमारे को जो है मार्च की सैलरी दी, और ये आश्वासन दिया जा रहा है कि एक दो दिन में, और पीछे का जो ओवर टाइम पिछले साल की सैलरी ले रही 2-3 बंदों की हमारे, तो इस चीज़ से बड़ा इशू है सबसे, और पीएफ का तो इशू है ही है, जो कि पीएफ का क्या इशू, जैसे पीएफ का बता रहे 3-4 साल का समझ नहीं आया सर, उस दिन भी समझ नहीं आया था, क्योंकि पीएफ के मुकेश जी हैं कोई पीएफ को डील करते हैं, वहाँ पर हमने बात भी दिखाई थी क्योंकि उनसे बातचीत हुई थी, उनकी फोन रिकॉर्डिंग भी हमने आपके दिखाई थी आपको। आजी, आजी। उसके बाद जब मुकेश जी का कहना है कि पहले तो कंपनी के मालिक का कहना था कि मैंने पीएफ का पैसा दे चुका हूं, बट जब मुकेश जी जो उनका खुद का डिपार्टमेंट है, उन्होंने विश्वसनीय सूत्र हैं उनके जिन्होंने कहा कि हाँ पीएफ का पैसा हमारा दे चुके हैं, लेकिन मुकेश जी ने क्लियर किया कि पैसा जमा ही नहीं है, तो इसमें कहीं कंपनी के मालिक झूठ बोल रहे हैं या फिर जो मतलब क्या है ये तो सारी इंक्वायरी करके ही पता चलेगा कि भी, क्योंकि हमारे हाथ में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या मुकेश जी को क्लियर पता होगा, ये बाकी जो करनाल जाके जो जहाँ पीएफ ऑफिस है, जहाँ हमारा जो पीएफ का जो अकाउंट है, वहीं जाके कंफर्म करना पड़ेगा कि आखिरी इशू क्या है। फिलहाल अभी ये जो 4-5 दिन से आप कर क्या रहे हैं, क्या आप कंपनी के बाहर ही यहाँ पर बैठे हैं? कंपनी के बाहर में हम इसी वजह से बैठे कि ताकि प्रशासन जल्दी से जल्दी हरकत तो में आए। प्रशासन कोई हड़कंप में आने की तो बात नहीं, प्रशासन कोई अधिकारी यहाँ पर आया आपसे मिलने के लिए? हमें अभी तक कोई नहीं आया मिलने। तो फिलहाल अब आगे क्या स्टेप करें, क्योंकि आप यहाँ कब तक बैठे रहेंगे ऐसे आप? फिलहाल तो हम यही है कि जब तक हमारी सैलरी सुली है ये नहीं करते, और हम उसके बाद फिर हम प्रशासन के पास जाएंगे अपने गुहार लगाने। अच्छा, यही हमारी है कि लाट में ये है कि प्रशासन के पास जाएंगे हम। जब तक फूल एंड फाइनल हिसाब नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। हिसाब कब तक मिलेगा ये भी कुछ पता नहीं। जब हम जाएंगे DC ऑफिस, वहाँ पे पता लगेगा हमारे क्या सिचुएशन चल रही है हमारे साथ में, वो जवाब देंगे खुद हमारे को। पीएफ का पैसा, आपका पैसा भी डूबा हुआ है? सबका पीएफ का पैसा डूबा हुआ है 4 साल से तकरीबन, जो कि हमें हर साल गुमराह किया जाए, 420 के नाम पे ठगी कर रहे हैं, पैसे काट काट कर अपने खाए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? श्याम कुमार। कब तक कितने दिन से काम कर रहे हैं? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है जी।
तो अभी जो फिलहाल अब पिछले जब हमने लास्ट खबर चलाई थी उसके बाद जो मालिक ने आपके बोला था कि 3-4 दिन में पैसा दे देंगे, तो उसके बाद कोई फोन हो रहा है या नहीं हो रहा है या पैसा? फोन आया, यही कह रहे हैं, गोल मटोल कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कब तक होगा इसका कोई सिचुएशन नहीं मिला कि आज करेंगे कल करेंगे। आपके घर का जो राशन है वो कौन करेगा? अब क्या करें, उधार करके खा रहे हैं हम लोग, कैसे भरें? अब भरना तो पड़ेगा उसको। किसी का सुनने में आया स्कूल के बच्चे का नाम भी काट दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो है भाई साहब, उनके बच्चे का नाम भी काट दिया गया है। हाँ सर नमस्कार जी। हमारा नाम है रमेश पांडे, केंद्रीय विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको 15 तारीख का लास्ट डेट मिला है निकालने के लिए। यहाँ से मालिक मेरे को अजय चावड़ा जी पैसे दे नहीं रहे हैं, एक दिन परेशान करके रखे हैं यहाँ पे। तो बच्चे का नाम आपका काट दिया गया है? काट नहीं दिया है, 15 तारीख का लास्ट डेट दिया है कि नहीं जमा करोगे तो आपके बच्चे निकाल दिया जाएगा यहाँ से। तो क्या आपने कंपनी के मालिक को इस बात बताई थी वाली? हमने ये बात वो उस दिन आपको न्यूज चैनल पर भी बताया कि फिर वो बोले कि सोमवार को दे देंगे, अभी तक मिला नहीं हमारा पेमेंट। तो कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं, अगर किसी के बच्चे का स्कूल से नाम कटता है, किसी की फीस जमा नहीं होती है, किसी के घर में राशन नहीं आता है, किसी के मकान मालिक का किराया नहीं देना है, क्योंकि सभी लोग किराएदार हैं इसमें, मेरे को लगता नहीं कि किसी की अपनी खुद की बिल्डिंगें होंगी। अब इनके किराए भी बनते हैं, राशन भी बनता है, शिक्षा के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी फीस भी बनती है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो तनख्वाहें जो है, 2-2 महीने से तनख्वाहें रोकी हुई हैं, वहीं सबसे बड़ी बात पीएफ का पैसा। तो पीएफ का पैसा तो आपने देख ही लिया, जो पीएफ का डिस्प्यूट है वो लंबा डिस्प्यूट है, क्योंकि 3-4 साल का डिस्प्यूट है, यानी कि 48 महीने का जो पीएफ है इन लोगों का कटा हुआ है और इनके जेब में नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ी बात 1-2 महीने की सैलरी हो सकता है जो ये फाइट कर रहे हैं शायद मिल भी जाए, लेकिन फिलहाल और जो पैसा है पीएफ का वो भी किसी न किसी तरह फाइट से मिल जाए, लेकिन फिलहाल ये बेरोजगार हैं। 8-10 साल से 10-15 साल से ये लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, फिलहाल ये बेरोजगार हैं। अब ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि अब अगर इनको जॉब ढूंढने की बात की जाती है तो एक स्पेसिफाइड जिस फील्ड में ये लोग माहिर हैं उस फील्ड के लिए कहीं पे कोई कंपनी अगर इनको हायर करती है नहीं करती है, कोई कंपनी यहाँ पर है या नहीं है फिलहाल, अब क्या करें? तो क्या ये रेडी लेके सब्जियाँ बेचना शुरू कर दे, क्योंकि सब्जियाँ बेचेंगे तो सब्जियों के ठेले भी कितने लगेंगे, वहीं निगम इनके सब्जियों के ठेले भी उठाएगा, क्योंकि बात करी जाती है कि निगम की बात की जाती है तो वहीं पर जो सब्जी की दुकान लगती है, आज देखा जाए तो लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने सब्जी की दुकानें लगाई थी जो बेरोजगार हो गए थे। तो अब इसमें से जिस तरह भाई साहब फोरमैन जी हैं कंपनी के, अरे ये भाई साहब कम से ये गार्ड है यहाँ पर, ये देखिए आपके सामने जो तस्वीरों में, अब ये लोग 15 से 20 साल पुराने लोग हैं, तो अभी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? प्रशासन से मेरा एक ही सवाल है, कम से कम इन लोगों की जो दुख और पीड़ा है उसको समझा जाए और इसका सलूशन किया जाए, क्योंकि खबर ये हमारी दूसरी है। इन लोगों के बार बार हमारे पास फोन आए कि सर आपने 4 दिन पहले खबर चलाई थी, लेकिन उस खबर का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर आके संज्ञान लेकर गया, ना ही प्रशासनिक अधिकारी हमसे आके वार्तालाप कर रहा है। वहीं पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि फिलहाल ये लोग जाए तो जाए कहाँ? फिलहाल देखा जाए आपको जो ये छत है, ये छत कैसी है, बड़ी आसमानी छत है, आपके सामने दिखाएंगे, प्लास्टिक की जो छत है टेम्परेरी छत बना के लोग बैठे हैं, फिलहाल कंपनी के बाहर है, धूप का सामना कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं। वहीं पर सबसे बड़ी बात घर से ये लोग बेघर हैं इस टाइम, और सबसे बड़ी बात अगर इनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, नौकरियों अगर इन लोगों को ठीक तरह से नहीं कंपनी दे पाती है तो फिलहाल ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको चिंता का विषय पीएफ का पैसा, चिंता का विषय 2 महीने की सैलरी, अगर इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो सबसे बड़ी चिंता, इन दोनों चीज़ों से बड़ी चिंता जो है वो नौकरी, फिलहाल आगे का जो फ्यूचर है, आगे की जो नौकरी है वो कैसे संभाली जाएगी? क्या ये लोग घर चले जाएं? क्योंकि प्रवासी लोग हैं, क्या अपने घर जाके मजदूरी करें? क्योंकि 15-20 साल से इन्होंने कोई सपने भी देखे होंगे, उन सपनों को सारा चकनाचूर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस कंपनी के मालिक ने, जिसने इस कंपनी को टेक ओवर किया है, उनको इनकी बेरोजगारी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल इन लोगों को जो रोड पर ये लोग हैं इन लोगों का ध्यान जरूर देना चाहिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरह से आपने खबर जो है 4-5 दिन पहले जब हमने खबर चलाई थी आपने शेयर की थी, तो आज भी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, जितना हो सके इस खबर को शेयर जरूर किया ताकि प्रशासन के पास ये खबर पहुंच सके और प्रशासन इसके ऊपर संज्ञान लेकर इन लोगों के ऊपर जो भी इनके ऊपर दिक्कत और परेशानी आ रही है उसके ऊपर ठीक तरह से उचित कार्रवाई जरूर कर सके। तो अब तक के लिए इतना ही, जितना हो सके खबर, जितना नहीं बोलूंगा सर मैं कहूँगा जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं इन लोगों की जो दिक्कत और परेशानी है उसका सोल्यूशन जरूर कर सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। सर विजय केसरी में आपकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड की जा रही है। सर आप बताएं, सर अजय जी आपसे बात होगी, 3-4 दिन पहले बात हुई थी कुछ की, आप लेबरों को जो है पैसा देने की बात थी, तो आपने कहा था 2-3 दिन में हम दे देंगे, सर उसका क्या बना? सर उसका अभी वो मैडम गए हुए थे ICICI बैंक में। अच्छा जी, वो NCLT ने अकाउंट फ्रीज किया है, हमने लेटर लगा दी है, बैंक में पैसा रखा है, डेबिट करने के लिए हमने एप्लीकेशन दे दी है। नहीं तो सर अभी जो 3-4 दिन, क्योंकि अभी जो लोगों को यहाँ पे लोगों के मकान के किराया देने हैं, किसी के एक लड़के का एक है जिसमें आपका एम्प्लॉय उसका स्कूल के बच्चे का नाम काट दिया गया, तो सर कुछ ना कुछ तो जो बात की थी आपने एज पर कमिटमेंट कुछ ना कुछ तो देते हैं कि देखो ये जितने भी पावर है इस समय मेरे हमारे पास पावर नहीं है, ये NCLT में राकेश सिंगला जी के पास पावर है। तो राकेश सिंगला जी भी तो बात करने को तैयार नहीं है सर बिल्कुल भी। उन्होंने बैंक में एप्लीकेशन भेज दी है, लेटर भेज दी है, अकाउंट नंबर भेज दिया है, बैंक में पैसा रखा है डेबिट होने के लिए, अब लेकिन उसका जो प्रोसेस है क्योंकि अकाउंट फ्रोजन है तो 1-8 दिन उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन पैसा हमारी तरफ से जब्त कर दिया गया।
नहीं सर, पैसा मतलब आपकी तरफ से दे दिया गया है और अब राकेश सिंगला जी ने देना है। हम अकाउंट स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, हमने पैसा दे दिया हुआ है, लेटर भी दे दिया है, हमारी तरफ से कुछ भी पैसे नहीं है। ठीक है, और सर जो उनका पीएफ का जो पैसे की बात थी, जो पीएफ के बारे में बात कर रहे थे आप, और जो पीएफ की भी मैंने बात करी थी, वो मुकेश जी कह रहे हैं कई कंपनियों का 30-30 लाख रुपया पड़ा हुआ है, हमारा तो 8-10 लाख रुपया पड़ा है, जो उनके सॉफ्टवेयर की वजह से अकाउंटों में क्रेडिट नहीं हो पा रहा, जो हमारी तरफ से उसमें गलती नहीं है, हमारी तरफ से खाली जो 2 साल का रहता है वही रहता है, क्योंकि जब पहले वाला क्रेडिट होगा उसके बाद ये क्रेडिट होगा। अच्छा जी, जब कंप्यूटर में नाम जुड़ेंगे वो डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, वो हमने नहीं करना है, हमारी तरफ से किसी चीज़ में कोई देरी नहीं है। तो मतलब सर अभी इनको फिलहाल जो जो आपने समय दिया था 3-4 दिन का समय दिया था, वो समय और बढ़ गया है, मतलब हमने 3-4 दिन का जो समय दिया था हमने अपने समय से पहले ही काम कर दिया। नहीं तो अब इनको क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी तरफ से या किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से या राकेश सिंगला जी की तरफ से या किसी भी विभाग से जहाँ से आप बातचीत कर रहे हैं, इनको पैसा कब तक मिलेगा सर? कम से कम तो मेन सवाल तो यही कि पैसा कब तक मिलेगा इनको। हमने बैंक को डेबिट करने के लिए लेटर भी दे दिया है, क्योंकि अकाउंट फ्रोजन है तो बैंक की कोई फॉर्मेलिटी है उनको वहाँ से क्लियरेंस ले दी है। ठीक है, पैसा भी रखा है और हमने डेबिट इंस्ट्रक्शन भी दे दी है, राकेश जी ने भी दे दी है, अब ये बैंक के ऊपर है, वो भी कर दें, आज करें कल करें, जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है उसमें जो टाइम लगेगा, हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़, आपके हाथ में नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर नमस्कार, राकेश सिंगला जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी सर। हो चुकी है ना, इन लोगों को पैसा मिल रहा है, कंपनी से निकाल दिया गया सर, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? आप कहाँ से बोल रहे हैं जी? सर मैं विजय केसरी न्यूज़ से बात कर रहा हूँ सर। आपसे बात हुई थी आपसे मेरी, आपसे फरवरी की सैलरी जो पे कर रहे हैं जी, सैलरी अभी देखते हैं कैसे पे करेंगे। नहीं सर, कंपनी के ओनर का इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, जो अपना अजय मित्तल जी हैं जो, या जो अजय छाबड़ा जी, तो वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से पैसा आना है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई रोल नहीं है, आपने पैसा देना है सर। नहीं, ऐसा होता है कि कंपनी के लिए एनसीएलटी में, अच्छा जी, हेलो हेलो भाई, इस बारे में मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता आपसे, मैंने आपको बता दिया फरवरी की सैलरी जो है ना हम अभी रिलीज करा रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, मार्च की सैलरी के लिए हम देख रहे हैं कैसे पैसे का इंतजाम, उनसे भी बात कर रहे हैं छात्रों सबसे, ठीक है? और सर जो ये कंपनी 31 तारीख से बंद कर दी गई है, तो क्या इनको, इन लोगों को सबको निकाल दिया गया सर, क्या ये दोबारा से रिस्टोर करेंगे इनकी ड्यूटीज जो हैं? आप नोटिस लगा हुआ देख लीजिए। अच्छा जी, थैंक यू जी।